आज की रेसिपी एग लवर्स को डेडिकेटेड है, मटर एग करी। थोड़ा सा ट्रिक किया है नॉर्मल एग करी से, क्या किया है बस मटर को ऐड करी करिए, लेकिन साथ में टमाटर को रिप्लेस किया है दही के साथ, और जो रिजल्ट आए ना नेक्स्ट लेवल। तो आप लोग भी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहो मटर ऐड करी की इजी टू कुक रेसिपी के लिए, और मुझे कमेंट्स में एक बार बताइएगा ज़रूर कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मटर एग करी बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई गैस पर चढ़ाइए और उसमें एक कप तेल डाल के ना अच्छे से गर्म कर लीजिए। मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करूँगा, आप अपनी पसंद का कोई भी ऑयल यूज़ कीजिए। जब तक तेल गर्म हो रहा है तब तक कुछ कार्रवाई करते हैं। क्या करना है, सबसे पहले 6 उबले हुए अंडे लेने हैं और इन अंडों में हम पियर्सिंग करेंगे, यानी कि छेद करेंगे चाकू की मदद से, या फिर आपके घर में कांटा होगा चाउमीन वगैरह जिससे खाते हैं, बस वही ले लीजिए और ऐसे ऐसे करके छेद कर देने सभी अंडों में। साथ ही में थोड़ी बहुत कटिंग चॉपिंग भी करनी है। क्या क्या करना है, 2 प्याज लीजिए, बारीक चॉप कीजिए, लगभग 2 टेबल स्पून जिंजर और गार्लिक इनको भी आप लोग चॉप कर लीजिए बारीक बारीक, लगभग आधा कप मटर और आधा कप ही दही। ये सारी चीज़ें आप पहले से तैयार करके रखिए। देखिए तेल हो जाए जब गर्म तो गैस को धीमा करके उसमें चुटकी भर नमक छोड़िए, चुटकी भर हल्दी छोड़िए और साथ ही में चुटकी भर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर छोड़िए, और फिर इसमें छोड़िए उबले हुए अंडे। अब ऐसा करने से सबसे पहली बात तो तेल नहीं उछटेगा, और दूसरा आपके अंडों के ऊपर ना एक प्यारी सी गोल्डन सी लेयर भी आ जाएगी। अभी कुछ देर के लिए इन अंडों को थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए, देख रहे हैं ना कितनी अच्छी लेयर आ चुकी है इन एग्स के ऊपर। तो बस अभी समय है इन अंडों को बाहर निकालने का, इस तेल से दूर करने का, तो वो काम भी कर लेते हैं। अब जो तेल कढ़ाई में छूटा रह जाए तो उसमें 1 चम्मच जीरा छोड़िए, साथ ही छोड़िए चुटकी भर हींग, और फिर वो जो चॉप की हुई प्याज है ना वो भी इसी तेल में छोड़ दीजिए। सब कुछ करछी की मदद से मिला दीजिए और इस प्याज को कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए ना अच्छे से भून लीजिए। देखो 2-3 मिनट के बाद में ना वो जो जिंजर गार्लिक जो हमने चॉप करके रखे थे ना वो भी इसी में छोड़ देने हैं। अभी करछी की मदद से सब कुछ मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, और ये जिंजर और गार्लिक यानी अदरक लहसुन है ना इन्हें भी 1.5 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे इसी प्याज के साथ। 2 मिनट बाद इसमें छोड़ेंगे मसाले, लगभग 1.5 से 2 चम्मच धनिया पाउडर, साथ ही डालेंगे 1/3 चम्मच हल्दी पाउडर, उसके बाद स्वाद अनुसार नमक। अब डालेंगे जी लाल मिर्च पाउडर, लगभग 1 चम्मच काफ़ी रहेगी। फिर डालिए इसमें 1/2 चम्मच काली मिर्च और 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, फिर उसके बाद 1/3 चम्मच गरम मसाला सफिशेंट है। अब क्या करना है, करछी की मदद से सारे के सारे मसाले अच्छे से मिक्स कर देने और इस मसाले की ना अच्छे से भुनाई कर लेनी है। सब कुछ अच्छे से मिक्स करने के बाद में ढक्कन लगा देना है और इस मसाले को तब तक भूनना है जब तक कि इसका मसाला और इसका तेल अलग अलग ना हो जाए। बस एक बात का ध्यान रखना है कि बीच बीच में करछी चलाते रहिएगा ताकि जो मसाला है वो जल कर चिपक ना जाए तले से। बहरहाल ये जो आप देख पा रहे होंगे अभी तो हमारा मसाला एकदम रेडी है, तेल भी अलग हो चुका है मसाले से, यानी कि अच्छे से इसकी भुनाई हो चुकी है। अब इस स्टेज पे वो जो दही हमने शुरुआत में दिखाया था ना फटा हुआ, वो दही इसमें छोड़ देना है। अब हम टमाटर का इस्तेमाल नहीं करने वाले, इसमें दही का इस्तेमाल करेंगे, इससे जो ग्रेवी में रिचनेस है ना वो बहुत अच्छी आएगी और एकदम स्मूथ ग्रेवी बनेगी इससे। अभी करना कुछ नहीं है, दही फटे ना, इसके लिए क्या करना है इसको मीडियम टू लो फ्लेम्स पे अच्छे से पकाना है। अब पकाने के लिए क्या करेंगे, इसको ढक देंगे और ढकने के बाद में 5 मिनट अच्छे से पकाएंगे। बस एक बात का ध्यान रखना है कि बीच बीच में इस मसाले को चलाते रहना ताकि जो मसाला है वो जले ना तले से लगे। अब आप देख पा रहे होंगे, देखिए कितनी अच्छी रंगत आ चुकी है इस ग्रेवी के ऊपर, मसाले जो हैं दही के साथ में बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो चुके हैं और टेक्सचर बहुत ही प्यारा आ रहा है। तो अब आप समझ लीजिए कि ये जो स्टेज है ना इससे क्लियर हो जाता है कि अब ये मसाले एकदम से पक चुके हैं अच्छे से, दही भी पक चुका है। तो अब समय है इसमें वो मटर छोड़ देने का जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाई थी। अब साथ ही इसमें मिला दीजिए आप पानी, मैंने लगभग 1.5 कटोरी पानी इसमें मिलाया है, आपको जितनी कंसिस्टेंसी चाहिए उतना पानी आप इसमें मिलाइए। सब कुछ अच्छे से मिक्स कीजिए करछी की मदद से। अब ढक्कन लगा के इस ग्रेवी को लगभग 5 मिनट के लिए ना आप पका लीजिए। 5 मिनट बाद ढक्कन खोलेंगे, करछी से हल्का सा चला देंगे, और अब बस अपने जो बॉईल किए हुए हमारे अंडे थे ना जिनको हमने फ्राई भी किया था वो अंडे इस ग्रेवी में छोड़ दीजिए। अभी लीजिए कसूरी मेथी, ये मेरी होममेड कसूरी मेथी जो हमने घर पे इसको तैयार किया था, आप चाहें तो बाज़ार से भी कसूरी मेथी लेके आ सकते हैं। अच्छे से इसको स्प्रिंकल कर देना है, हल्के हाथों से मिक्स कर दीजिए। अब बस ढक्कन लगा दीजिए
और ढक्कन लगाने के बाद में क्या करना है, 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए ना अच्छे से पका लीजिए। इससे क्या होगा, जो अंडे जो ठंडे हो गए थे ना इस ग्रेवी में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। गैस कर दीजिए बंद और उसके बाद में क्या करना है, स्ट्रीट को एंजॉय करना है। और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है।